आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फुल डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे सीडीएस के बारे में। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में जो एग्जाम होता है, उसकी हम आज पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में आपको बताने क्या क्या वाले हैं। तो इसमें हम बताएंगे पहले कि सीडीएस होता क्या है, उसके बाद में हम आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए और जेंडर क्या होना चाहिए। ऐसे ही हम नेशनलिटी के बारे में भी बताएंगे कि इंडिया के अलावा और कौन कौन से नेशन के लोग इसमें एलिजिबल है। साथ ही हम फिजिकल फिटनेस की भी बात करेंगे और साथ साथ हम देखेंगे इस एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में और फॉलोड बाय इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू कैसे होगा और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आपका कहाँ कहाँ कैसी ट्रेनिंग होगी और कैसे आपका प्लेसमेंट होगा, और आखिर में हम बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट डेट कि कब आपको क्या क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे हमें सीडीएस का एग्जाम देना है और सीडीएस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको इस पूरे वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीडीएस क्या है। सीडीएस जैसे कि मैंने बताया कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन है, जो कि यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। किसके लिए होता है ये, अगर आपको इंडियन फोर्सेस में जाना है, मतलब आपको इंडियन एयरफोर्स में जाना है या फिर इंडियन नेवी में जाना है या फिर इंडियन मिलिट्री में जाना है, इन तीनों में एडमिशन के लिए ये एक एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, जो कि साल में दो बार होता है। पहली बार जब साल में होता है उसको सीडीएस 1 कहते हैं, जो दूसरी बार होता है उसको सीडीएस 2 कहते हैं। तो ये जो सीडीएस के थ्रू हमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है आईएमए में, एएफए में और आईएनए। आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एएफए मतलब एयर फोर्स एकेडमी और आईएनए मतलब इंडियन नेवल एकेडमी। इसके साथ साथ हम सीडीएस के थ्रू ओटीए में भी जा सकते हैं। ओटीए मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो इसके दो स्टेप में ये एग्जाम होता है। पहले स्टेप में आपको एक रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और दूसरे स्टेप में इंटरव्यू होता है। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा, और इसकी फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी upsc.gov.in से, क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर मिलेगी। आइए हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये अलग अलग जो विंग्स हैं उसमें एडमिशन के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन लगती हैं। अगर आपको आईएमए में जाना है या फिर ओटीए में जाना है, मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना है या फिर आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाना है, तो उसके लिए कोई भी ग्रेजुएट होगा वो इसको अप्लाई कर सकता है। कोई भी ग्रेजुएट मतलब आपने बीए बीएससी बीकॉम किया हो या फिर आप इंजीनियर हो लेकिन आप आर्मी में जाना चाहते हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एएफए में जाना है, मतलब एयरफोर्स एकेडमी में आपको जाना है, तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ 10+2 में मतलब 12th में आपने मैथ्स और फिजिक्स लिया हो तभी आप एयरफोर्स एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आपको नेवल एकेडमी में जाना है, मतलब आईएनए में जाना है, तो आपको पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, मतलब सिर्फ इंजीनियर ही इंडियन नेवल एकेडमी में एडमिशन पा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट की और मैरिटल स्टेटस की और जेंडर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं जिनकी एज 20 से 24 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। लेकिन आप जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें ये पर्टिकुलर मंथ से कि इस ईयर के इस मंथ से लेकर इस ईयर के इस मंथ के बीच में एज क्राइटेरिया रहता है, तो आप नोटिफिकेशन में वो जरूर देख लें कि आप उन पर्टिकुलर ईयर्स और मंथ्स के बीच में आपकी एज आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपकी एज 20 ईयर भी होगी लेकिन पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है उनका इस मंथ से इस मंथ के बीच वाला, उसमें आपकी एज नहीं आ रही होगी तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे ही अगर आपको इंडियन नेवल एकेडमी में जाना है तो भी आपको अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए जिसकी एज वापस 20 से 24 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप एयरफोर्स एकेडमी में जाना चाहते हो, यहाँ भी एज का जो क्राइटेरिया है वो भी 20 से 24 इयर्स का ही है, अनमैरिड मेल ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि DGCA इंडिया के द्वारा मिला है आपको, तो आपकी एज 24 के बाद 26 तक हो सकती है, मतलब आपको 2 साल और मिल जाएंगे अगर आपके पास लाइसेंस है कमर्शियल पायलट का,
तो 26 ईयर के हो गए तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपकी एज 25 ईयर से कम है तो अनमैरिड मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, 25 ईयर से ऊपर मैरिड मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपको मेन ध्यान रखनी है, किसी भी एकेडमी में आपको एडमिशन लेना है, चाहे एयरफोर्स में लेना है, चाहे मिलिट्री एकेडमी में लेना है, या फिर नेवी में लेना है, या फिर ओटीएम में लेना है, जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी तब तक आप मैरिज भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही आप मैरिज कर पाएंगे। और हम जान लेते हैं ओटीए। ओटीए में दोनों के लिए एडमिशन होता है, मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए। और ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब जो आईएमए में था और एयरफोर्स एकेडमी में था और नेवल में था वो परमानेंट कमीशन है, लेकिन ये जो ओटीए के थ्रू होता है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपका एडमिशन होता है। इसमें एज लिमिट 20 से 25 ईयर्स है, और ऐसे ही फीमेल के लिए भी एज लिमिट 20 से 25 ईयर्स है। इसमें अनमैरिड जो अगर वुमेन है वो एलिजिबल है, लेकिन अगर कोई विडो इशूलेस है या फिर कोई डाइवोर्सी इशूलेस है, लेकिन विडो भी जो रीमैरिड नहीं है वही इसमें एलिजिबल है। और अब हम बात कर लेते हैं नेशनलिटी और फिजिकल फिटनेस की। नेशनलिटी जो भी इंडियन नेशनलिस्ट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो लोग कुछ भूटान से हैं या फिर नेपाल से हैं, तिब्बत के रिफ्यूजी हैं, जो कि परमानेंटली इंडिया में सेटल हो गए हैं, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए आईएमए में और नेवल एकेडमी में एडमिशन के लिए। और अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं एज अ पायलट तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर के अराउंड होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि हिली एरियाज में रहते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं या फिर अंडमान निकोबार में हैं, जिनको क्या है कुछ रिलैक्सेशन है। तो आप अगर आपकी हाइट कम है तो आप उस एरिया से बिलोंग करते हो तो आप नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और जानें कि आपको उस हाइट में कुछ छूट मिल रही है क्या। ऐसे ही वेट का है, जो वेट अराउंड 46 से 50 केजी के बीच में होना चाहिए, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें हाइट और उसके अकॉर्डिंग जो वेट है वो उसमें दिया रहेगा, तब उस नोटिफिकेशन में जरूर चेक कर लें कि आपकी उस हाइट के हिसाब से जो वेट है वो कोई ओवरवेट या अंडरवेट तो नहीं है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। साथ में आपकी जो चेस्ट है वो भी वेल डेवलप्ड होनी चाहिए और एक्सपेंड होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर तक। और साथ साथ आपको विजुअली भी फिट होना चाहिए, जैसे कि आर्मी में अलग स्टैंडर्ड है और एयरफोर्स के लिए अलग स्टैंडर्ड है और नेवी के लिए अलग स्टैंडर्ड है, तो उसका भी जो नोटिफिकेशन में आप पढ़ने कि आप उस स्टैंडर्ड में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। लेकिन आपको नाइन ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए किसी भी फोर्स में जाने के लिए। और हम जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, मतलब एग्जाम में जो आएगा वो क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे कैसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए जो एग्जाम होता है वो इसमें तीन पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, दूसरा पेपर होता है इंग्लिश का, और तीसरा पेपर होता है जनरल नॉलेज का। जो लेकिन अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का पेपर काय के लिए है, आईएमए के लिए है, एयरफोर्स के लिए है और नेवी के लिए है, लेकिन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होता। तो ये जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है ये 2 घंटे का पेपर होता है, जहाँ पर आपको अराउंड 100 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं इस 2 घंटे में। और याद रखिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है सभी तीनों पेपर में, जो होती है 1/3, मतलब 0.33% होती है। ऐसे ही इंग्लिश का पेपर होता है, वो भी मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का उसमें भी टाइम मिलता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं। और फिर जीके का एग्जाम होता है, जीके में भी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, आपको 2 घंटे मिलते हैं और इसमें भी अराउंड 120 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह आपने तीनों एग्जाम मिलाकर आपका टोटल 300 हो जाएगा, और अगर आप ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका टोटल 200 हो जाएगा। और सेम जितना आपने रिटर्न एग्जाम में दिया है उतना ही आपके इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे। अगर आपने 300 में दिया है तो 300 आपके इंटरव्यू के होंगे, और 200 आपका अगर रिटर्न एग्जाम में है तो 200 आपके होंगे इंटरव्यू के लिए। इसलिए जो टोटल हो जाएगा वो 600 और 400 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आपकी च्वाइस। अब हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि सिलेबस के बारे में। हमें एग्जाम तो जान लिया कि एग्जाम कैसे कैसे पैटर्न होगा और कैसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें हमें जानना चाहिए कि आएगा क्या इस एग्जाम में। तो जो इसमें स्टैंडर्ड रहेगा, जो मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, मैट्रिकुलेशन का रहेगा, मतलब 10th लेवल की इसमें मैथ्स पूछी जाएगी, उसका ज़्यादा हायर लेवल नहीं रहेगा। 11th 12th में जो हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है वो नहीं पूछी जाएगी, तो जनरल जो सभी कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है
उसी लेवल की मैथमेटिक्स रहेगी, लेकिन जो इंग्लिश और जीके है उनका लेवल हायर रहेगा, जो कि एज अ ग्रेजुएट को कि आप उसमें अपेयर कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के अराउंड उसका लेवल रहेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या आएगा। इंग्लिश में सबसे पहले हमें वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, उसके बेस पे हमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन, हमें सिनोनिम आने चाहिए, एंटोनिम्स आना चाहिए, और हमें उसमें वर्ड का सिक्वेंस पूछा जाएगा, वर्ड को सिक्वेंस में अरेंज करो, जंबल सेंटेंस रहेंगे उनको अरेंज करना रहेगा, हमें वहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव दिए रहेंगे, उसके बेस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। तो और एरर अपन को फाइंड करनी पड़ेगी ये ग्रामेटिक, हमारी ग्रामर चेक करने के लिए कि हाँ ये सेंटेंस दिया है इसमें कहीं ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक है क्या। तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत वाइड इसमें रेंज आती है, और उसके लिए आप क्या करना है, लास्ट ईयर के जो पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे, यूपीएससी से भी मिल जाएंगे, बहुत सारी साइट पे अवेलेबल हैं, तो उन पेपर को डाउनलोड कर लें और सॉल्व करें। अब हम बात करते हैं जीके, जीके मतलब जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स रहेगी, इंडियन इकोनॉमिक रहेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पूछा जाएगा, और जो हमारी आर्म फोर्सेज है, मिलिट्री है, नेवी है, इनमें इसके बारे में पूछा जाएगा, कुछ टैक्सेशन के भी क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, और फिर बुक्स और स्पोर्ट्स इनसे रिलेटेड भी रहेंगे, कुछ अवार्ड से रिलेटेड भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं, जो आपने एग्जाम होने से 6 मंथ के आराम पहले के जो करंट अफेयर हुआ हो उसके बारे में भी आप ध्यान से पढ़ लें। और अब है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जैसे कि मैंने पहले बताया एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है जो आपने 10th में पढ़ी, तो वही सिलेबस है। इसमें अर्थमेटिक आएगी, अल्जेब्रा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ज्योमेट्री आएगी, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स आएगी। तो मैथ्स में इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन उसका टफनेस लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, इसलिए आप मैथ्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ही आपका स्कोर हाई होगा। आपको स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान इंग्लिश और मैथमेटिक्स पर देना है, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और मैथमेटिक्स अच्छी होगी तो आपका स्कोर हाई हो जाएगा। तो अच्छे स्कोर के लिए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न एग्जाम में, तो उसके बाद क्या आपको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाएगा? नहीं, उसके बाद एक और आएगा SSB इंटरव्यू। ये SSB इंटरव्यू भी 2 स्टेज में होता है, इसको Stage 1 और Stage 2 बोलते हैं। जो पहली स्टेज रहती है वो, इसमें आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे आपको एक पिक्चर दी जाएगी छोटी सी, जो कि सिर्फ 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी। फिर आपको उसको आपसे जेंडर पूछेंगे, उसकी एज पूछेंगे, उसका मूड पूछेंगे, ऐसा आपसे उससे डिटेल ली जाएगी। फिर उसके ऊपर एक आपको स्टोरी लिखने को दी जाएगी, उसके लिए आपको 4-5 मिनट का अलग से टाइम मिलेगा। तो इसमें उस पर्टिकुलर पिक्चर को बहुत ध्यान से आपको देखना है और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसी की करनी है। फिर उसके ऊपर बाद में GD भी होगा, और फिर इसके बाद आपको इन दोनों एग्जाम के ऊपर एक फिर से आपका फाइनल लिस्ट बनेगी, जो कैंडिडेट का कितना स्कोर मिला है, उस स्कोर में अगर आप क्लियर करते हो तो उसके बाद आपको Stage 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। Stage 1 है वो 1 दिन में ही हो जाता है, लेकिन बाकी जो Stage 2 है उसमें 3-4 दिन लगते हैं। तो Stage 2 में क्या होगा, आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होगा, एक साइकोलॉजी टेस्ट होगा, फिर लास्ट में कॉन्फ्रेंस होगी। तो जो इंटरव्यू होता है वो पर्सनल इंटरव्यू रहता है, उसमें आपसे वापस पर्सनल डिटेल आपसे भरवाई जाएंगी, जो कि आपने एग्जाम से पहले उसमें भरी होंगी। तो आप ध्यान रहे, हर चीज को बहुत सही भरें, जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही आप उस समय फॉर्म में भरें जब आप इसके लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन तब दें जब आपका पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है। यहाँ पर जनरली पर्सनली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आप हर चीज को अच्छे से पता कर पाए वो आपके बारे में, और आपको जज कर पाए आप कितना सही बोल रहे हो, कितने लॉयल हो, और कहीं आप कुछ छिपा रहे हो तो आप उनको पता चल जाएगा। इसलिए हर चीज को सही बताएं जो आपके बारे में सही है। उसके बाद GD होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होगी, यहाँ अलग अलग ग्रुप बना दिए जाएंगे, आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसमें डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें वो आपको देखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन व्यू कैसा है, आप किसी अपनी चीज को कैसे प्रेजेंट करते हो, और दूसरे की बात को कितने ध्यान से सुनते हो और कितना एक्सेप्ट करते हो, और आपका उसमें मूड कैसा रहता है, आप कितने हाइपर हो जाते हो या किसी हर सभी बात को बहुत आसानी से मान लेते हो, तो वो आपसे बहुत अच्छे से उसको देखा जाएगा। एक ऑफिसर आपको कंटिन्यूअस वहाँ पे चेक करता रहेगा, तो इसलिए उसमें भी ध्यान रखेंगे GD में ना तो ज्यादा हाइपर हो ना ही बिल्कुल लेजी हो जाए कि हाँ चल रहा है डिस्कशन, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबकी बात पे हाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट होगा, वो रिटन भी होगा और ओरल भी होगा, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी टेस्ट की जाएगी, और उसके बाद इन सभी तीनों राउंड क्लियर हो जाएंगे तो फाइनली आपको एक कॉन्फ्रेंस 1-to-1 होगा,
इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी, इनके लिए जो यहाँ प्रोफेशनल लोग ही वहां पे बैठेंगे, मतलब जो साइकोलॉजी का टेस्ट वो साइकोलॉजिस्ट ही लेगा, और जो इंटरव्यू ले रहा है वो एक पर्टिकुलर आदमी लेगा जो उस चीज में एक्सपर्ट है, और वो ही तीनों लोग जब आप कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे वहां पे, वो सामने वहां पर बैठे रहेंगे और वो अपने अपने स्कोर लेके बैठे रहेंगे। उनके एक दूसरे का स्कोर उस समय तक नहीं पता होता है कि किसी ने क्या क्या आपको रेटिंग दी है वहां पे। फिर जब कॉन्फ्रेंस होगी आपसे वहां पे, फिर वो सभी क्वेश्चनिंग करेंगे तीनों, और फिर उसके ऊपर फाइनल सब मिला के आपका स्कोर वहां पे तय होगा, और वहां फिर आपको फाइनल किया जाएगा कि हाँ आप सिलेक्ट होते हो तो आप आगे मेडिकल टेस्ट के लिए जाओगे। अब अगर आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है और इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है, तो उसके बाद क्या होगा, सीधा आपको कमीशन नहीं किया जाएगा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। जिस जिस विंग में आपने अप्लाई किया है या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे कि आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए में आपने अप्लाई किया है और उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो वहाँ पे अराउंड 18 मंथ की आपको वहाँ पे ऑफिशियल ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाएगा। अगर आप नेवल एकेडमी के लिए आपने अप्लाई किया है और वहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएट कैडेट स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत आपको एडमिशन दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि एयरफोर्स एकेडमी में क्या होगा। फिर जो एयरफोर्स एकेडमी में है, कुछ लोग सीडीएस के थ्रू आते हैं, कुछ दूसरी एंट्री भी हो उसके थ्रू भी आते हैं, तो वहां पर आपको पायलट के एग्जाम के लिए एक टेस्ट देना होगा जो कि कंप्यूटर पायलट रहता है। वहां पे एक छोटा सा टेस्ट होगा, उस बेस पे तय किया जाएगा कि आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हो कि नॉन फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हो। और अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए हो फ्लाइंग ब्रांच के टेस्ट में, तो आपको डायरेक्ट भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट एंट्री फ्लाइंग पायलट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी एज अ पायलट। जो पायलट की ट्रेनिंग होती है वो अराउंड 74 वीक्स की होती है। और इसमें एक और चीज जान लेते हैं, इन सभी में बहुत अच्छा पे स्केल होता है जो कि 56,000 से लेकर 1,77,000 के अराउंड आपको पे मिलता है, तो बहुत अच्छा पे है पर मंथ आपको इन फोर्सेस में जाने के लिए। और अगर आपने ओटीए के लिए अप्लाई किया तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी 49 वीक्स के अराउंड ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे जेंटलमैन और लेडी कैडेट्स दोनों की ट्रेनिंग होगी, और वहां पर आपको शॉर्ट सर्विस के लिए बाद में कमीशन कर दिया जाएगा आपकी ट्रेनिंग खत्म होने पर। और अब हम जान लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट्स मतलब अगर हमें अप्लाई करना है सीडीएस के लिए तो इसका नोटिफिकेशन कब कब आता है और हमें एग्जाम कब होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 2 बार साल में एग्जाम होता है सीडीएस का, जिसको CDS 1 और CDS 2 कहते हैं। जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो सीडीएस का जून के अराउंड होता है 1 का, और जो 2 होता है CDS 2 का उसमें अक्टूबर के अराउंड इसका नोटिफिकेशन आता है, और तभी इनके फॉर्म मिलना अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही हमें भरकर इसको सबमिट करना पड़ता है। आपको 1 मंथ अराउंड इनको भरने का टाइम मिलता है दोनों फॉर्म को, इसलिए आप उसके अंदर इसको भर लें। और एग्जाम की जो डेट रहेगी वो CDS 1 की सेप्टेम्बर के 1st संडे को आएगी, और ऐसे ही जो आपने CDS 2 है उसके एग्जाम डेट नेक्स्ट ईयर फरवरी के 1st संडे को आएगी। और इनका जो रिजल्ट रहता है CDS 1 का वो अक्टूबर में आता है और CDS 2 का मार्च का अराउंड रहता है। यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखें कि आपने एग्जाम देना है तो चाहे उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया हो, जब आपने सोचा कि नहीं मुझे CDS में जाना है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया हो, जब आएगा तब मैं उसको देखूंगा, तो ऐसा मेरी सलाह है कि आप तब नहीं देखें इसको, अभी जो पुराना नोटिफिकेशन है उसको देख लें। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप उसमें हर चीज को चेक कर पाओगे कि आप जो उसमें क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी उसमें आप फिट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो। कि ऐसा नहीं हो कि आपने प्रिपरेशन की और बाद में पता चला फिजिकली फिट नहीं हो, मेडिकली फिट नहीं हो, और वहाँ पे फिजिकली और मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है इन सभी रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के साथ साथ। आपने आज मूड बनाया है कि मुझे CDS में जाना है, तो सबसे पहले जो भी पुराना नोटिफिकेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर उसको डाउनलोड कर लें और पूरे को ध्यान से पढ़ें कि आपकी एजुकेशन भी वैसे ही है और एज भी उसके हिसाब से आ रही है जो उन्होंने ली है, फिजिकल फिटनेस, और साथ में उसमें कुछ जो बीमारियां दी हैं जैसे कि कान के लिए है उसमें ईयर में वैक्स नहीं होना चाहिए, आईज के लिए भी अलग अलग स्टैंडर्ड है, तो आपका विजुअली भी आप फिट होना चाहिए, और आपकी चेस्ट का भी एक्सरे होगा तो आपको अंदर से चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारे बहुत सारे टेस्ट उसमें होते हैं, वो सब उनको बहुत ध्यान से 1-2 बार पढ़ लें कि आप उसमें कहीं फेलते नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट हैं उसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो लोग भी उनको ध्यान से पढ़ लें कि वो कोई प्रॉब्लम या कोई जो डिसीज है उनको है तो नहीं है,
उन सब डिसीज के बारे में वहाँ पे डिटेल में बताया जाता है। हमने आपको पूरी डिटेल बहुत अच्छे से बताई जो कि नोटिफिकेशन में दी है, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूपीएससी के जो नोटिफिकेशन है उसको से पढ़ें और उसी के बेस पर आप हर चीज को अप्लाई करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन और अगर आप चाहते हो तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आप और क्या क्या डिटेल चाहते हो।